हाय, नमस्ते फ्रेंड। मैं ममता, ममता क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राउंड लड्डू कुशन बनाना सिखाऊंगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। लग रहा है ना खूबसूरत? ये 16 लड्डुओं का कुशन है, बीच में डिज़ाइन है, उसके बीच में हमें स्टोन लगता है और काफ़ी ईजिली बन जाता है और काफ़ी सस्ते में बनता है। तो आप घर में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ, इसको अपने घर में आप डेकोरेशन करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं, अपने कार में रख सकते हैं, बहुत यूज़ में ला सकते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो चलते हैं, हम सीखते हैं कि लड्डू कुशन बनता कैसे। चलिए आइए देखते हैं हमें लड्डू कुशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। कुशन बनाने के लिए हमें ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने ड्राफ्टिंग आपको पेपर में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारी चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई जो रहेगी 22 इंच की रहेगी और लंबाई हमारी 48 इंच की रहेगी। ये हमारी लंबाई हो गई। इसके बाद हम लोग ब्लॉक्स बनाएंगे। स्टार्टिंग हम लोग रखेंगे चौड़ाई की साइड से, 2.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लॉक्स बनाएंगे, हाफ ऑफ इंच का 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। उसके बाद 3 इंच का लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 6 इंच का लाइन खींचेंगे, फिर हमको 3 इंच का लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम लोग 5 लाइन फिर खींचेंगे आधे आधे इंच का, उसके बाद 2.5 का हमारा लाइन रहेगा। इस तरह से हम पूरा इस तरह से बना लेंगे। हमारा ड्राफ्ट कपड़े में बन चुका है इस तरह का। ये देखिए कपड़े का ड्राफ्ट। इसमें डिज़ाइन बनेंगे हमारे साइड साइड, दोनों साइड में। ये हमारे लड्डू बनेंगे, 16 लड्डू वाले लाइन्स खींचेंगे, 3-3 इंच वाले। देखिए अब हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। हम लोग इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के एक खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर खींचेंगे। उसी में आपने जो लाइन छोड़ा है उसके ऊपर आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम डिज़ाइन पूरा तैयार करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम ये वाला धागा लेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। इसका हम डबल धागा लेंगे इस तरह से। ये हमारा डबल धागा हो गया। इसको हम सुई में डालेंगे। हम लोग ये छोटा वाला सुई लेंगे, तुरपाई वाला। ये हो गया हमारा धागा, सुई में डल चुका है। हम इस कॉर्नर से ऐसे, फिर हम इस कॉर्नर में ऐसे करके डालेंगे ऐसे, फिर उसके बाद उसको हम एक साथ ऐसे पकड़ लेंगे। इसमें हम गार्ड डालेंगे ताकि मजबूती रहे। दो गार्ड डालेंगे हम। इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने बीच में लाइन खींचा है इस तरह से, इसमें हम ऐसे करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इस कॉर्नर पे डालेंगे। इसको हम थोड़ा ढीला छोड़ देंगे इस तरह से, फिर उसी तरह से करेंगे हम इसमें दो गार्ड डाल देंगे। ऐसे ही फिर हम इसको भी करेंगे इस कॉर्नर में, ऐसे सुई डालेंगे, फिर इसको हम इस कॉर्नर से निकाल देंगे इस तरह से। फिर हम इन दोनों को पकड़ेंगे, फिर हम उसी तरह से दो गार्ड डाल देंगे इस तरह से। हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन के आएगा और बन के इस तरह से तैयार होगा। काफ़ी खूबसूरत लगता है पूरा बनने के बाद। अभी ऐसा टाका लगा के हम लोग का डिज़ाइन इस तरह से बनेगा पूरा इस तरह से पूरा तैयार हो जाएगा हमारा। टाकने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट होगा। इतना खूबसूरत लगता है। अब हम बनाएंगे ये हमारा लड्डू। लड्डू हमें कैसे बनेगा, इसका टाका कैसे लगेगा, अब हम सीखते हैं। हमारे लड्डू का लाइन है, इसको हम इस तरह से ले जाएंगे यहाँ से, इस तरह से हम लोग कच्चा सिलाई जैसे करते हैं, इस तरह से
ऐसे हमारा ऐसे सिलाई हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से ही देंगे काट और हम लोग इसको इस तरह से खींच देंगे और इसको हम इस तरह से बांध देंगे। हम लोग 3 घाट लगाएंगे टाइट से इस तरह से। इस तरह से हम लोग काट दिए, ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये देखिए यहाँ ब्लॉक हो जाएगा हमारा। अब हमें स्टफिंग करना है। ये हमारा बन के पूरा तैयार हो गया है इस तरह से। ये बन के पूरा तैयार रहेगा इस तरह से। ये हमारा लड्डू का पोर्शन है, इसमें लड्डू बनेंगे, इसमें भरेंगे। पीछे से मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से भरना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लड्डू को भरेंगे इसमें। हम लोग इसमें लड्डू को भरेंगे इसमें। चलिए हम भरना सीखते हैं। हम पहले रुई को इस तरह से कर लेंगे, खोल लेंगे पूरा ताकि रुई अच्छे से सेट हो पाए। इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा रुई करके, थोड़ा थोड़ा रुई लेके इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। पहले हम लड्डू में भरेंगे ताकि लड्डू अलग से भर के और अलग लुक आता है लड्डू का। इससे पहले हमको इसमें भरना होगा लड्डू में। थोड़ा सा लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा लेके करेंगे। ऐसे हम अंगूठे की मदद से इसको इस तरह से भरेंगे। भर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग लॉक करेंगे ताकि ये रुई हमें बाहर ना निकल सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरपाई वाला सुई लेंगे। सुई में हम 2 फोल्ड करेंगे तो हम सुई में डालेंगे तो हमारे ये 4 फोल्ड हो जाएगा। हमने सुई में धागा डाल लिया इस तरह से। ये हमारा 4 फोल्ड धागा किया हुआ है। अब हम इसको बताते हैं हम किस तरह से हम इसको लॉक करेंगे। हम लोग ज़िगज़ैग सिलाई करेंगे। हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इस तरह से हम डालेंगे, फिर उसके बाद हम इस तरह से करेंगे, उसके हम इस तरह से करेंगे। हमने इस तरह से कर दिया। उसके बाद हम इसको इसके ऐसे खींच देंगे। खींच के उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक टाका डाल देंगे ताकि हमारा ये लॉक हो जाए अच्छे से। इस तरह से हमने लॉक कर दिया। हमारा लॉक हो गया। हमारा एक लड्डू बनके इस तरह से तैयार हुआ है। हम फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में इसी तरह से हम रुई भर देंगे। हम अंगूठे की मदद से इसको अंदर करते जाएंगे। हम सारे लड्डू में एक ही तरह का रुई भरेंगे। इतना हमने एक बराबर रुई भरेंगे। हर लड्डू में बराबर बराबर रुई भरना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसी तरह से इसमें सिलाई करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। ऐसे ही जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे। हमने जो पेन से निशान लगाया था वो हमें इसमें मदद करेगा। उसी पेन के निशान के ऊपर ही हम लोग को सिलाई करना है इस तरह से। इससे क्या होगा, लॉक करने से हमें, अगर हम ये कुशन धोते हैं तो हमारा रुई इधर उधर नहीं होगा। ये रुई हमारा इसी के अंदर लॉक हो जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से हम खींच देंगे इसको। उसके बाद इसमें फिर वैसे ही टाका लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा 2 लड्डू बन के तैयार हो गए। लग रहे हैं ना, इसी तरह से हम सारा भर देंगे और इस तरह से ये रास्ते से रहेगा। ये हमने सारा लॉक कर दिया है स्टफिंग भर के। ये इस तरह से
लड्डू में स्टफिंग भर दी है, अब हम इसका हम करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है ये वाला इसको हम कच्चा सिलाई करेंगे इस तरह से। और हमने कच्चा सिलाई करके हमने ऐसे कर दिया, ये देखिए। इस तरह से हमने कच्चा सिलाई कर दी है। कच्चा सिलाई करने के बाद आपने जहाँ से शुरू किया है उस गार्ड को लेंगे और जो हमने एंडिंग किया उसको लेंगे और इसको इस तरह से घींच देंगे। ये हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद इसमें हम लोग तीन टाका लगाएंगे। लूप वाला धागा है इसलिए हम लोग को डबल करने का ज़रूरत नहीं है, सिंगल में डालेंगे सुई में। चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। इसको हम इस तरह से लेंगे, ये एंडिंग में ऐसे 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 इस तरह से हमने इसको कच्चा सिलाई कर दिया। ये देखिए इस तरह से हमारा कच्चा सिलाई होगा। उसके बाद हम लोग इसमें स्टफिंग करेंगे। पहले इसको हमने कर दिया, स्टफिंग करेंगे। ये हम लोग पहले ये रुई को इस तरह से हम लोग खोल देंगे ताकि अच्छे से भरा सके। इस तरह से हमारा ये भर गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस सुई खींचेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था कच्चा सिलाई करना उस वहाँ उसको पकड़ेंगे और एंडिंग को पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे इस तरह से खींच के और गाँट उसमें फिर वैसे ही तीन गाँट लगा देंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है ये। देखिए इस तरह से हम ऐसे किए दबाए, उसके बाद यहाँ से हम सुई निकालेंगे, ठीक से इस तरह से सुई निकालेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से हो गया। अब हम स्टोन डालेंगे। ये स्टोन का बटन इस तरह से होगा, इसके अंदर हम सुई डालेंगे तरह से। इसको ऐसे घुमाएंगे बटन के चारों तरफ, ऐसे इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इस तरह से, तो बड़ा मिले वैसे सुई देखिए। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे, ऐसे डालेंगे इस तरह, तो ऐसे घुमाएंगे इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें डालेंगे, लग रहा है ना सुंदर। तो फिर हम इस तरह से ऐसे गाँट दे देंगे ताकि मजबूती बना रहे। हमारा कुशन बनके ये तैयार हो गया। तो ये कुशन बनके हमारा तैयार हो गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो देख के आप ये कुशन बनाना सीख गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये कुशन परचेज करना है, मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, अमेज़न साइट से परचेज कीजिए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।